आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके अंतर्गत हमको जिस टॉपिक्स का अध्ययन करना है, जैव धारणा की संकल्पना, उसकी अवधारणा, जैव विविधता के महत्व, उनके नष्ट होने का या ह्रास का कारण, हॉटस्पॉट एरिया और जैव विविधता के संरक्षण के उपायों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य, जैव मंडल, पवित्र उपवन, रामसर स्थल और इसके अलावा रेड डाटा बुक, इन टॉपिक्स पर हम पूरी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता या इसको कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव का मतलब होगा जीव और विविधता का अर्थ है विभिन्नता, या ये हुआ विभिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। इस शब्द की खोज सबसे पहले करी थी वाल्टर जी रोजेन ने। इन्होंने इसे 1986 में बायोडायवर्सिटी नाम दिया। इसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे जीव जंतु में तुमने देखा होगा हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बकरी, गाय, इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। एक दूसरे से कहीं भी मैच करते हुए नहीं, कहीं भी इनमें कोई समानता नहीं पाई जाती। वैसे ही तुम्हारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते होंगे, चाहे वह तुलसी है, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, जो भी है, ये पर्याप्त अंतर एक दूसरे से रखते हैं। इनमें कहीं भी आपस में एक दूसरे से समानता नहीं पाई जाती। तो ये जो विभिन्नता है, इसी को यदि हम परिभाषित तौर पर ले लें तो इसमें ये है कि एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो कहलाती है जैव विविधता। मैंने पहले बताया कि इस बायोडायवर्सिटी नाम का उपयोग जो सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम वाल्टर जी रोजेन ने। इन्होंने 1986 में इसे इसका नाम दिया। जैव विविधता की जो अवधारणा है ये तीन प्रकार से दी जा सकती है। पहला है अनुवांशिकी जैव विविधता। ये पहला अनुवांशिक जैव विविधता। दूसरा है प्रजाति जैव विविधता और तीसरा होता है पारिस्थितिकी जैव विविधता। ये तीन इसके कॉन्सेप्ट दिए गए। पहला है अनुवांशिकी जैव विविधता। अनुवांशिकी का संबंध होता है जीन से, अर्थात कि जितने भी प्रजातियां पाई जाती हैं, एक पर्टिकुलर किसी प्रजाति को लेकर चले तो प्रत्येक प्रजाति के जो भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से डिफर करते, एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, तो इनका संबंध जीन से होता है। एग्जाम्पल मान के चले कि जो मनुष्य है तुम्हारे आसपास जितने भी दिखेंगे या फिर आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं वहां पर आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हें देख लीजिए, उनमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है, कहीं वो एक दूसरे से मैच करते हुए नहीं रहते हैं। तो ये जो जीन से संबंधित जो विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, ये कहलाती है अनुवांशिक विविधता। और ये जो रहती पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। सबसे ज्यादा जो विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है मकड़ी की प्रजाति में। स्पाइडर जो रहते हैं सबसे अधिक प्रकार की जो पाए पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है मकड़ी की। प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता का अर्थ होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है वो कहलाती है प्रजाति जैव विविधता। तो नदियों के किनारे का जो क्षेत्र रहता है तो वहां पे जैव विविधता प्रबल होती है। क्यों प्रबल होती है? क्योंकि नदियों के किनारे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, वहां बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगेंगे और पेड़ पौधे या जंगल जब डेवलप होंगे तो वहां पर रहने वाले जीवों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो नदियों के किनारे ये जो जैव विविधता प्रबल होती है, लेकिन उसी के अपोजिट जो ध्रुवीय इलाके हैं या पर्वतीय या बर्फीले जो इलाके रहते हैं, नदियों के दूर के जो इलाके रहते हैं वहां पर ये जैव विविधता रहती है दुर्बल रहती है, वहां पर पेड़ पौधों की भी संख्या कम रहती है, इसलिए वहां पर जो जीव जंतु है वो भी कम पाए जाते हैं।
अब तीसरा है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब होता है कि आपने पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ा था परितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम जो रहता है, इकोसिस्टम का अर्थ होता है जीवों और पर्यावरण का जो आपस का संबंध रहता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो एक परितंत्र में बहुत सारे लैंडफिल पाए जाते हैं, जैसे घास का परितंत्र हो गया, जल का परितंत्र हो गया। तो एक किसी परितंत्र में पाए जाने वाले जीवों और पौधों में जो अंतर पाया जाता है, जो विभिन्नता या विविधता पाई जाती है, वो कहलाती है पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब इसका हम महत्व देख लेते हैं। तो ये जो जैव विविधता पाई जाती है, इसका जो महत्व है, हमको सिंपल यदि हम भाषा में लेके चले तो हमको यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का महत्व बताना है कि हमको उनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप बायो के स्टूडेंट हैं, प्रकाश संश्लेषण का आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में ली जाती है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है, ये आपको मालूम है। तो इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका उपयोग कर रहे हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस क्यों वे मुक्त कर रहे हैं, हमारे श्वसन की क्रिया के लिए। पेड़ पौधे जीव जंतुओं और मनुष्यों में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तो ये आपस में बैलेंस चलता रहता है, प्रकृति में इसका संतुलन बना रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है इन गैसों के संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे की आवश्यकता होती है और जीव जंतुओं की। सेकंड जो है इसका है, इसका जो महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है आर्थिक महत्व के लिए। आर्थिक महत्व के लिए मतलब पौधों से और जीवों से हमको बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो पेड़ पौधों से जैसे हमको मिलता है जितने भी प्रकार के खाद्यान्न है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या जो भी भोज्य पदार्थ है वो हमको मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमको क्या मिल जाएंगे, रेशे मिलते हैं, इमारती लकड़ी मिलेगी, जलाऊ लकड़ी मिल जाएगी इससे हमको, और बांस का जो उपयोग किया जाता है वो घर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये पौधों का महत्व हो गया। जीवों से जो हमको मिलता है, बहुत सारे जो जीव है वो हमको, या जो चौपाए वो हमको दूध देते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी से हमको क्या मिल जाता है, शहद मिलता है, भेड़ से हमको ऊन मिलता है। तो ये सब चीजें हैं, ये आर्थिक महत्व हमको प्रदान करती है कौन कौन से, पेड़ पौधे और जीव जंतु। इसके अलावा तीसरा इसका जो उपयोग है इसका जैव विविधता या जीवों और पशुओं का, तो जो जंगल रहते हैं पेड़ पौधों से क्या बनेंगे, जंगल बनते हैं। तो जंगल का उपयोग जो किया जाता है वो जीवों के आवास के लिए, जीव अपने आवास के लिए, वहाँ भोज्य पदार्थों के लिए पूरे जंगल पर निर्भर रहते हैं। आपने भी देखे होंगे कि जब आप साल में एक बार स्कूल से पिकनिक जाते हो या घरों से कहीं घूमने जाते हो, तो आप कौन से स्थल का चुनाव करते हो, जो नदियों के किनारे हो, जहाँ पर हरे भरे जंगल हो, जहाँ पर कुछ हमको पशु पक्षी देखने को मिल जाए। तो ये जो रहता है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जितनी अधिक जैव विविधता रहेगी उतना अधिक वहाँ पे पर्यटन के अवसर है वो उपलब्ध हो सकेंगे, उतने अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं और वही चीजें हमको ज्यादा अच्छी लगती है कि हरियाली देखना है या नदियों का बहाव देखना है। तो उन सब चीजों के लिए पर्यटन का महत्व है, जैव विविधता की दृष्टि से पर्यटन का महत्व है वो बढ़ जाता है। इसके बाद साथ में सौंदर्य की जो है वो हमको बहुत अच्छा यहाँ पे सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है, कहाँ पर, जहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। धार्मिक इसका जो महत्व है, धार्मिक कैसे महत्व होगा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, कि और बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे सांप हो गया या फिर हाथी है, इसके अलावा गाय है, ये सब पूजनीय माने जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। कुछ पौधे जो रहते हैं जिनकी जिनका पूजन में उपयोग किया जाता है, तुलसी है, बेल का पौधा है या पीपल है या फिर आंवला है, तो ये सभी पौधे हैं जो पूजनीय होते हैं। पूजनीय का कारण ये है कि इनसे हमको बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ये हो गए किसके, जैव विविधता के जो महत्व है, जिसके कारण इन सभी जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। तो इतने महत्व होने के बावजूद लगातार क्या हो रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है।
सिर्फ अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से लगातार इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो इनके ये जो है जैव विविधता के जो नष्ट होने के दो कारण है, पहला तो एक तो प्राकृतिक कारण है और दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में हम देखते हैं सबसे पहले कि प्राकृतिक कारण जो कि प्रकृति से होता है, जिसके लिए किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति ऐसा अपने प्रकृति का ऐसी मार पड़ती है कि ये पूरी की पूरी जो जैव विविधता है वो पूरी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसमें प्रमुख कारण है इसका प्रदूषण। हमने देखा कि प्रदूषण का अर्थ होता है कि किसी भी चीज की जो मात्रा है वो जरूरत से यदि ज्यादा हो जाए तो वो प्रदूषण का कारण बनती है। कुछ प्रदूषण हम जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और मृदा प्रदूषण है। तो इसमें जल प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा कि यदि हम किसी तालाब या नदियों में क्या करते हैं कि कपड़े धोते हैं या जानवरों को धोते हैं या फिर जाते जाते हम अपनी गाड़ियों को वहां पर धोते हैं, तो हम जिनका वॉशिंग पाउडर का या जो साबुन का जो यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो रॉ मटेरियल का जो केमिकल है वो तलहटी में जाके जमा हो जाता है। तलहटी में जाके जमा होते होते क्या हो जाते हैं, उसकी वो गहराई को कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी उगने वाले पौधे जो रहते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां के धीरे धीरे पौधे वो समाप्त होने लग जाते हैं। या फिर जितने भी कारखाने पाए जाते हैं उनका जो रॉ मटेरियल जो रहता है, जो केमिकल्स रहता है, वो नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। आपने देखी होंगे आसपास के जो रहेंगे जिनके की छोटे कारखानों के किनारे जिनके घर होंगे तो वहां पर एक तेल जैसी लेयर जम जाती है। तो ये तेली जो लेयर रहती है ये पेड़ पौधों को और वहां के जीव जंतुओं को ऑक्सीजन लेने में या श्वसन की क्रिया बाधा उत्पन्न करती है, जिससे कि वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। वैसा ही वायु प्रदूषण हो गया या फिर भूमि प्रदूषण, ये सभी इस जैव विविधता को नष्ट करने का सबसे मुख्य स्रोत है। दूसरा है सूखा और आकार। सूखा और आकार, यदि किसी हिस्से में हमारे यहाँ जितनी भी कृषि जो निर्भर करती है वो किस पे निर्भर करती है, वर्षा। यदि वर्षा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, उस हिस्से में सूखा और अकाल पड़ जाएगा। तो सूखे की स्थिति में जितने भी पौधे हैं वहां के नष्ट हो जाएंगे, और जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो वहां जीव जंतु के रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जब फटता है तो वहां से बहुत अधिक लावा निकलता है, और लावा का टेम्परेचर या तापमान इतना अधिक रहता है कि वहां किसी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु है वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। चौथा है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण। आपने भी देखे होंगे कि अपने घरों में कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए वहां पे कीट लग जाते हैं, या इसको इल्ली कहा जाता है। तो ये जो इल्ली या कीट है वो क्या होती है कि पौधे की पत्तियों को धीरे धीरे खाना शुरू करती है, और ये संक्रमण एक पौधे से दूसरे से, दूसरे से तीसरे में लगातार संक्रमण होता चला जाता है और पूरे के पूरे पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो संक्रमण होता है, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा हो, वायरस के द्वारा हो, या किसी भी अन्य जीव के द्वारा हो, तो ये पूरे के पूरे पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार ये संक्रमण जीवों में भी पाया जाता है। तो ये संक्रमण के द्वारा जो जीव जंतु है, यदि एक बार संक्रमण हो गया और उसका उचित इलाज नहीं किया गया तो संक्रमण के द्वारा पूरे की पूरी जीव प्रजाति है वो नष्ट हो जाती है। ये हास के कारण हमने प्राकृतिक कारण देखे, प्रदूषण है, सूखा आकाल है, ज्वालामुखी है, और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल वायरल या फिर दूसरे प्रकार के जीवों के द्वारा संक्रमण किया जाता है जिससे जैव प्रजाति वो नष्ट हो जाती है। मानवीय कारण। मानवीय कारण मतलब होता है कि जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई, जिसमें मनुष्य का आर्थिक लाभ होता हो, और उसने क्या किया, धीरे धीरे इस जैव विविधता को पूरा का पूरा नष्ट करना शुरू किया। सबसे पहला है आवासों का विनाश। आवासों का विनाश, इसमें हम देखते हैं कि जंगल में जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। शहरों में लोग घर में पालते हैं, लेकिन जंगलों में ये फ्री होकर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। लेकिन जो जीव जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस आवास में रहने के लिए अनुकूलित होता है, वहीं पर वह रह सकता है। यदि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो पाता है, वो उसके अनुकूलन धारण नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाता है। जैसे एक जीव है राइनोसोरस। ये जो राइनोसोरस है या जो गैंडा है, ये पाया जाता है कांजीरंगा में। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए जो मुख्य आवास है वो लंबी लंबी घास चाहिए,
की लंबी घासों के बीच में यह रह जाता है। वहां पर भोजन की पर्याप्त सुविधा है, पानी है, सभी है, लेकिन यदि इसके इस घास को यदि काट दिया जाए तो उसको आवास के लिए अनुकूलित नहीं होता है और पर्याप्त मात्रा में भोजन और जल मिलने के बावजूद भी ये उस आवास में नहीं रह सकता। हमको मालूम है कि एक पेड़ में बहुत सारी चिड़िया घोंसला बना के रह रही, बहुत सारे पक्षी जो घोंसले बनाकर रहते हैं, यदि उस पेड़ को ही नष्ट कर दिया जाए, यदि उस पेड़ को ही काट दिया जाए तो क्या होगा कि वहां पर उतने पक्षी वहां नहीं रह पाएंगे और वो अपने वास स्थान को ढूंढने के लिए, अपने को कैपेबल बनाने के लिए, अब खुद को जीवित रखने के लिए क्या करेंगे, दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे, वहां पर अपने सुविधा के हिसाब से वहां घोंसला बनाकर उन पेड़ों में रहने लग जाएंगे। तो ये जैसे जैसे आवासों का विनाश होता चला गया वैसे वैसे जैव विविधता में कमी आती चली गई। दूसरा इसका कारण है जीव और पौधों का विनाश। जीव और पौधों का विनाश, मनुष्य जो है अपने आर्थिक महत्व के लिए, अपने थोड़े से लालच के लिए क्या कर रहा है, लगातार जीवों और पौधों का विनाश करते जा रहा है। जीवों का बहुत सारे उपयोग है, जैसे हाथी दांत का उपयोग किया जाता है कुछ कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, इसके अलावा कस्तूरी मृग का उपयोग, उसके नाभि में जो कस्तूरी पाई जाती है उसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक महंगे दामों पर बिकती है। गेंडे के जो सिंग रहते हैं, जो बालों का गुच्छा उसके नाक पे पाया जाता है, उस सिंह का उपयोग किया जाता है कुछ दवा बनाने के लिए किया जाता है। शेर और चीते की खाल का उपयोग कुछ सजावट के कामों के लिए किया जाता है। तो ये सब सिर्फ थोड़े से लाभ के लिए क्या किया जा रहा है, इन जीवों को लगातार मारा जा रहा है जिससे धीरे धीरे करके इनकी ये विलुप्ति की कगार पे आ गए हैं या फिर नष्ट होते चले जा रहे हैं। वैसे कुछ पौधे पाए जाते हैं जिन पौधों को आर्थिक महत्व के लिए धीरे धीरे उनको नष्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे ये पौधे पूरे नष्ट होते चले जा रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं। तीसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का होता है कि उद्योग की स्थापना। अब सरकार ये कहती है कि उद्योगों को शहर से दूर लगाया जाए क्योंकि शहर में प्रदूषण हो रहा है। अब शहर से दूर क्या होंगे, जंगल। तो उन उद्योगों की स्थापना कैसे की जाती है, जंगलों को काट के। जंगल बहुत बड़े हिस्से के जंगल को काट दिया जाता है, वहां पे बड़े बड़े उद्योग लगा दिए जाते हैं। तो जब जंगल कट जाएंगे तो वहां के जो रहने वाले जीव है वो कहां जाएंगे, उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है। और जब स्थान रहने के लिए नहीं मिलता तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो पूरे के पूरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो ये औद्योगिकरण ने भी बहुत अधिक जैव विविधता को नष्ट करने का कारण बनते जा रहे हैं और साथ ही इस उद्योगों के कारण प्रदूषण, जंगलों में प्रदूषण इतना अधिक फैल जाता है कि वहां पर जो पत्तियां हैं या पौधे हैं धीरे धीरे फिर सूखने लग जाते हैं। नगरीकरण, उसके बाद चौथा जो कारण है इसके नष्ट होने का वो है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, एक शहर से दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए क्या बनाई जाती है, सड़कें और रोड बनाई जाती है। तो अब सड़कें और रोड क्या किया जाता है, उनको बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, जंगलों को काट के वहां से रोड बनाई जाती है। और ये जो सड़कें या रोड बनाई जाती है उसके लिए जो जंगलों को काटा जाता है तो वो जो है पौधों और जीवों को नष्ट इसी माध्यम से ज्यादा किया जा रहा है। विदेशी जातियों का आक्रमण ये मुख्य है इसमें, इसके हास के कारण में। विदेशी जातियों का आक्रमण का अर्थ होता है कि हमने अपने फायदे के लिए कुछ बीज या पौधे या जीव है बाहर से आयात करते, विदेशों से मंगाते हैं। तो विदेशों से जब मंगाया जाता है तो क्या होता है कि विदेशी प्रजातियां इन देशी प्रजातियों के भोजन को लेकर उनसे कॉम्पिटिशन करती है और इसमें विदेशी प्रजातियां वो जीत जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि 1967-68 में अमेरिका से गेहूं की प्रजाति बुलवाई गई, तो उस प्रजाति के साथ एक और घास आ गई थी जिसको नाम दिया गया कांग्रेस ग्रास, या फिर इसे क्या कहा जाता है, एक घास थी कांग्रेस घास। तो ये जो घास है ये खरपतवार के रूप में, या इसको कहा जाता है गाजर घास। ये गाजर घास के रूप में पूरे फसलों में आज लगभग हर खेत में ये गाजर घास पाई जाती है। ये बहुत बड़ी खरपतवार है जो फसलों के पोषक तत्व को ग्रहण करके खुद तो सर्वाइव कर जाती है, साथ में जो उपयोगी फसलें हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। अगला है झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में आप जानते होंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पे चूंकि रोजगार की वहां पर कमी पाई जाती है और यहाँ के जो किसान है उनको जो मैदानी इलाका नहीं मिल पाता कृषि के लिए, तो वो झूम कृषि का उपयोग करते हैं। झूम कृषि में क्या किया जाता है, जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, जो पर्वत रहते हैं, वहां पे जो वृक्ष पाए जाते हैं
तो ये क्या करते हैं, खेती के लिए उन वृक्षों को काटते हैं। 10 से जो 20 वृक्ष उसको काट दिया गया, खेती के लिए उतना एरिया बना लिया गया, वहां पर 2 से 3 साल खेती की। जब वो खेती के लिए जो भूमि का उपजाऊपन है वो कम हो गया, तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां से फिर 10-20 पेड़ काटते हैं, वहां फिर उसको खेती के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार लगातार जंगल को काटते जा रहे हैं और ये कहलाती है झूम कृषि। झूम कृषि में फायदा ज्यादा नहीं होता, लेकिन लगातार क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का नुकसान किया जा रहा है। और लास्ट है इसका जो कारण है वो कीटनाशकों का प्रयोग। हम अपने फसलों के बचाव के लिए, उनको दूसरे सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से उसमें जो कीटों का आक्रमण हो रहा है फसलों पे वो तो ठीक हो जाती है, फसलें तो हमारी बच जाती है, लेकिन उस पर जो टिड्डे हैं, तितलियां हैं, छोटे पक्षी हैं, जब इन फसलों को खाते हैं तो वो कीटनाशक उनके शरीर के अंदर चला जाता है और जो उनको नष्ट करने का या फिर उनके विनाश का कारण बनता है। तो ये हास के कारण हमने देख लिए, जिसमें है प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। अगला अब हम देखते हैं हॉटस्पॉट, जो इस चैप्टर का प्रमुख बिंदु है। हॉटस्पॉट ये जो आपके मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, हॉटस्पॉट का यहाँ मतलब है उष्ण क्षेत्र। हॉटस्पॉट या फिर इसको कहा जाता है उष्ण क्षेत्र। उष्ण क्षेत्र और जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, जिस क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है हॉटस्पॉट या उष्ण क्षेत्र। तो ये उष्ण क्षेत्र पृथ्वी और उसके अंतर्गत भारत, हम दोनों एरिया में देखेंगे कि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट या जो जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। ये मान के चले कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी में ये बीच का हिस्सा हो गया इसको, जिसको कहा जाता है इक्वेटर या विषुवत रेखा 0 डिग्री। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। 30 डिग्री ऊपर ये हो गई कर्क रेखा, और 30 डिग्री नीचे ये हो गई मकर रेखा। ऊपर के ये दोनों कहलाते हैं ध्रुव। तो ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा के 30 डिग्री नीचे वाला हिस्सा है, ये पृथ्वी का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इस एरिया में अब जैव विविधता के होने के लिए दो कंडीशन रहती है, दो शर्तें रहती है। एक तो वर्षा अधिक होना चाहिए उस क्षेत्र में, और दूसरा है वो तापमान अधिक होना चाहिए। दो शर्तें हैं जैव विविधता को पूरा करने के लिए, एक तो वर्षा अधिक हो और दूसरा तापमान अधिक हो। यदि वर्षा अधिक होगी तो वहां पे क्या होगा कि पेड़ पौधे अधिक ग्रो करेंगे, अधिक सर्वाइव करेंगे, और साथ में वहां पर रहने वाले जीवों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। और तापमान अधिक है तो तापमान जितना अधिक होगा, तो बायो स्टूडेंट आपको समझ में कि तापमान अधिक होने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, पौधों में भोज्य पदार्थ अधिक बनेगा, और भोज्य पदार्थ अधिक बनेगा तो पौधे अधिक ग्रो करेंगे। तो इन दोनों, वर्षा अधिक होगी और तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होंगे और वहां पे जीवों की संख्या भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री जो नीचे है, इस एरिया में ये एरिया कहलाता है पृथ्वी का हॉटस्पॉट, जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अब यहां से यदि हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, कहां से, इस इक्वेटर से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो लगातार वर्षा भी कम होते चले जाती है और टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है, तापमान भी कम होता है। तो धीरे धीरे यहां से जैव विविधता कम होते होते ध्रुवों पर आने पर लगभग नहीं के बराबर जैव विविधता हो जाती है, चाहे हम नीचे चले या फिर ऊपर चले, दोनों ओर ध्रुवों में वही हाल होता है कि यहाँ पर लगातार जैव विविधता कम होते चली जाती है। आपके एग्जाम में यदि पूछता है कि जैव विविधता किस एरिया में कम होती है या किस दिशा से जाने पर कम होती है, तो यदि इस विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक आया जाए तो जैव विविधता कम होगी, और इसी के अपोजिट यदि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाया जाता है तो इसमें क्या होती है, जैव विविधता बढ़ जाती है। अब हम आते हैं भारत के जो हॉटस्पॉट के जो क्षेत्र है उसमें भारत के हॉटस्पॉट में हम छोटा सा इसका नक्शा देख लेते हैं भारत का।
यहां का जो क्षेत्र रहता है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है पूर्वी हिमालय। तो भारत के जो हॉटस्पॉट है, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट में यहां गुजरात से लेकर केरल तक का जो हिस्सा, तो ये केरल तक का जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट कहलाते हैं। यहां पर अरब सागर से जो आने वाली हवाएं हैं यहां टकराती हैं और बहुत अधिक वर्षा करती है। तो मैंने पहले बताया कि जहां पर वर्षा अधिक होगी और तापमान अधिक होगा तो वहां पर क्या पाया जाएगा, हॉटस्पॉट क्षेत्र या फिर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। तो ये जो पश्चिमी घाट वाले एरिया में अरब सागर से उठने वाली हवाएं हैं यहां टकराती इस क्षेत्र में और यहां पर वर्षा करती। तो इस एरिया में ये जो केरल वाला हिस्सा रहता है, केरल वाला हिस्सा है, केरल में एक जगह है साइलेंट वैली। तो ये जो साइलेंट वैली है ये सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यदि आपके एग्जाम में आता है कि साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है तो आपको बताना पड़ेगा कि केरल में है और यहां पर जो है जैव विविधता का सबसे घना क्षेत्र है, इसलिए ये साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। वैसे ही पूर्वी जो हिमालय का क्षेत्र है, इस पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं इस हिमालय की हिमालय से टकराती है और यहां पर भरपूर वर्षा करती है, जिससे ये जो एरिया है हॉट स्पॉट कहलाता है भारत का, जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और यहां पे लक्षद्वीप, तो यहां भी जैव विविधता पाई जाती है लेकिन इसके कंपैरिजन में इन दोनों एरिया में कम पाई जाती है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछता है हॉटस्पॉट के बारे में, तो जैव विविधता जहां पर बहुत अधिक पाई जाती है, जहां सघन रहती है जैव विविधता, उसको तो हॉटस्पॉट कहा जाता है या उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। भारत में यदि पूछता है तो आपको दो लिखना है, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पाया जाता है पूर्वी हिमालय। इन दोनों में जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक है। इसके अलावा दो क्षेत्र और है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब आगे है इनके संरक्षण के बारे में। जैव विविधता को जो नष्ट किया जा रहा है लगातार, तो उसको अब संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिससे उसको संरक्षित किया जा सके। तो संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसमें दो प्रकार से इसको संरक्षित किया गया है, एक कहलाता है इनसीटू और दूसरा कहलाता है एक्ससीटू, इनसीटू कंजर्वेशन और ये एक्ससीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का अर्थ होता है कि इन मतलब होता है अंदर, या इसको मान लिया जाए कि यदि कोई पौधा, मान लीजिए कि कोई पौधा है जो यहां पर ग्रो नहीं कर पा रहा, जो उसका मूल स्थान है वहां पर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, विकसित नहीं हो पा रहा है, वहां की कुछ कंडीशन या क्लाइमेट ऐसा हो गया है जो उसको वृद्धि करने में उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, उसके मूल क्षेत्र में ही ऐसी कंडीशन, ऐसी उपलब्धता उसको दी जाती है ताकि वो पौधा अपने मूल स्थान पर, अपने मूल स्थान पर ही पर्याप्त वृद्धि कर सके, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु, अपने मूल स्थान पर ही उसको डेवलप होने दिया जाता है, विकसित होने दिया जाता है, तो वो कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो मूल स्थान पर डेवलप होगा तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ उपाय किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उसके लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य है ये डेवलप किए जाते हैं या विकसित किए जाते हैं, जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं को विकसित होने दिया जाता है। एक्ससीटू कंजर्वेशन में एक्ससीटू का मतलब होता है कि किसी पौधे या जीव को उसके मूल स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है और उस स्थान पर ट्रांसफर करने के बाद उसको वो सभी चीजें अवेलेबल कराई जाती है जो उसकी वृद्धि के लिए लाभदायक होती है, जो उसको सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करती है, तो वो कहलाता है एक्ससीटू कंजर्वेशन।
एक्सीटू कंजर्वेशन में जितने भी आ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन, फिर जितने भी जू आते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र, ये सब किसमें आ जाएंगे? एक्सीटू में, जिसमें किसी भी पौधे या जीव को उनको मूल स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके संरक्षित किया जाता है और उनको सर्वाइव होने के, उसको ग्रो करने के पूरे अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अब हम इन सीटू कंजर्वेशन में हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ होता है एक बड़े वन परिक्षेत्र से। राष्ट्रीय उद्यान एक बड़ा वन परिक्षेत्र रहता है, तो उस वन परिक्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीवों को उनके वातावरण के हिसाब से, वातावरण के अनुसार उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है ताकि वो उस स्थान पर आसानी से सर्वाइव कर सके, अपनी वृद्धि कर सके। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान रहता है इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, पूरी तरीके से बैन रहता है। मानवीय हस्तक्षेप पर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध कैसे लगाया जाएगा? यहां पर किसी प्रकार का शिकार नहीं किया जा सकता, वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकती और किसी भी प्रकार से यहाँ पे अनुसंधान कार्य है वो नहीं हो सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर पौधे और जीवों का बचाव किया जाता है, लेकिन साथ ही कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय पर सरकार को लाभ की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। तो पर्यटकों के लिए खोला जरूर जाता है, लेकिन पर्यटक जो है एक वहां के जो वाहन रहते हैं उसी के द्वारा उस पर्यटन स्थल का या उस राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। वो अपनी गाड़ियां लेके या बगैर परमिशन के, बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के या वहां पर जो मैनेजमेंट है उसकी परमिशन के बगैर उस एरिया में जा नहीं सकते। और इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य भी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के समान ही है, जो एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा बड़े रहते हैं ये अभ्यारण्य, दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, दोनों में ही वृक्षों का और जीवों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन अभ्यारण्य जो रहता है कुछ मानवीय क्रियाओं की अनुमति इसमें दी जाती है कि जिसके अंतर्गत कुछ जो है यहाँ पर जितने भी प्रकार के अनुसंधान कार्य है वो मैनेजमेंट की परमिशन से या गवर्नमेंट की परमिशन से यहाँ पर अनुसंधान कार्य है वो किए जा सकते हैं। तो ये हुआ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको बता देती हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के नाम है, पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में, जहां पर एशियाटिक लायन को संरक्षित करके रखा गया है। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जहां पर गैंडे का संरक्षण किया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जहां पर हाथी और बाघ का संरक्षण किया जाता है। कान्हा किसली जो आपके सबसे पास में है मध्य प्रदेश में मंडला डिस्ट्रिक्ट में, और जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है, जहां पर सांभर नीलगाय और नीलगाय का संरक्षण किया जाता है, और सफेद शेर सबसे पहले इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखे गए। अभ्यारण्य गुजरात में है गिर फॉरेस्ट अभ्यारण्य, जहां पर सिंह का संरक्षण किया गया है। आसाम में है कांजीरंगा अभ्यारण्य, जहां पर राइनोसोरस या गैंडे का संरक्षण किया गया है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, यहाँ केवल पक्षियों को संरक्षित करके रखा गया है, उनके अनुकूल एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराया गया है ताकि जो पक्षी है वो उतना सर्वाइव कर सके, जिसमें मुख्य रूप से साइबेरियन सारस को संरक्षित किया गया है। और कर्नाटक में है बांदीपुर अभयारण्य, जहां पर बायसन और जंगली कुत्तों का संरक्षण किया गया है, जहां पर उनके अनुकूल उनको वातावरण प्रदान किया जाता है। अगला है जैव मंडल के बारे में।
तो जैव मंडल का अर्थ होता है कि यहाँ पर मानव कल्याण के लिए यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, मानव कल्याण के लिए बायोस्फीयर को सुरक्षित रखने के लिए इसमें जैव मंडल की स्थापना की गई। तो इसके लिए जो एक कुछ निश्चित एरिया बांट दिए गए जिसमें उसे उस हिस्से को तीन जोन में बांट दिया गया। अब प्रत्येक हिस्से के अलग अलग जो कार्य है उसके हिसाब से उसको संरक्षित किया गया। बीच वाला कहलाता है कोर जोन, सेकंड वाला बफर जोन, अब तीसरा कहलाता है ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर का क्षेत्र। यहां पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु इनको रखा जाता है और यहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की परमिशन नहीं रहती। पौधों और जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है, उनके अनुसार उनको वातावरण दिया जाता है और किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती। किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य नहीं होगा, कोई जानवरों को मारेगा नहीं या शिकार नहीं करेगा और किसी प्रकार के वनों की कटाई नहीं होगी या यहाँ पर किसी प्रकार का चारागाह नहीं बनाया जाएगा। दूसरा होता है बफर जोन। ये बफर जोन रहता है वो अनुसंधान कार्य के लिए फिक्स किया गया कि अनुसंधान कार्य इसमें किए जा सकते हैं और पर्यटन के लिए इसको समय समय पर खोला जाता है। तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो रहता है ये मनुष्य को कृषि कार्य के लिए ये ट्रांजिशन जोन दिया जाता है, लेकिन शर्त ये रहती है कि ये इस एरिया में चाहे वो बफर जोन हो या कोर जोन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे या यहाँ के पौधों या जीवों किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगला हम देखते हैं पवित्र उपवन के बारे में। पवित्र उपवन का अर्थ, पवित्र मतलब होता है साफ, उपवन मतलब होता है जस्ट लाइक ए गार्डन। तो ये जो पवित्र उपवन है, जितने भी हमारे कुछ धार्मिक स्थल जो है, तो धार्मिक स्थल के आसपास या पूजन स्थल के आसपास जितना भी जो घने जंगल जो पाए जाते हैं, जो जैव विविधता पाई जाती है, उनको जो वो कहलाते हैं पवित्र उपवन। जितने भी पूजा घर है, कुछ पूजा घर को उसमें कुछ मंदिरों को कुछ जो धार्मिक स्थल है उनको निश्चित कर दिया गया कि उनके आसपास जितना भी एरिया रहेगा जहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वो कहलाते हैं पवित्र उपवन। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो गुजरात और बस्तर का एरिया है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर का जो क्षेत्र है वो पवित्र उपवन उनको घोषित किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है ये इन्हें पवित्र उपवन घोषित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को की परमिशन नहीं दी जाती, किसी प्रकार का वहां पे चारागाह नहीं खोला जा सकता या किसी प्रकार के अनुसंधान कार्य को नहीं किए जा सकते। अगला है हमारा टॉपिक है वो है रामसर स्थल। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है रामसर स्थल के बारे में। आपको मालूम है कि कुछ जो रहती है भूमि वो दलदली रहती है। दलदली का मतलब वहां पे पानी की कमी पाई जाती है, तो वो आपस में मिलकर एक दलदल जैसा स्थान बना लेती है जिसमें पानी की कमी रहती है लेकिन मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ये मान के चलिए कि गीली मिट्टी रहती है जिसकी गहराई बहुत अधिक रहती है, या फिर जो लवणीय क्षेत्र रहते हैं जहां पर लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में जो आर्द्र भूमि रहती है या रामसर क्षेत्र को एक और कहा जाता है आर्द्र स्थल। आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि कुछ बहुत अधिक मात्रा में क्रस्टेशियंस है, घोंघे हैं, इसमें घोंघे, केकड़े और पौधों में है कलशपादक, ड्रोसेरा, ये पौधे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
और इस आर्द्र भूमि में सबसे इसका मुख्य इसका जो लाभ ये रहता है कि ये पानी को दूषित होने से बचाते हैं। पानी को दूषित जो प्रदूषित पानी रहता है तो क्या होता है कि दलदली भूमि रहती है तो प्रदूषण वाला पार्ट ऊपर रह जाता है, बाकी छनित पानी है वो नीचे चला जाता है। तो ये प्रदूषण से बचाने का काम करते हैं और जो बाढ़ आने से रोकते हैं। और चूंकि ये पानी को छानने का कार्य करते हैं इसलिए इसको किडनी कहा जाता है। किसकी किडनी कहा जाएगा? पानी छानने की वजह से, क्योंकि प्रदूषण को प्रदूषण युक्त जो पानी रहता है उसको छानने का काम करते हैं इसलिए इसको जंगलों की किडनी कहा जाता है, जंगलों की किडनी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस पानी को छानने का काम कर रहे हैं और बाढ़ आने से रोकते हैं। और इन सभी जो इतने लाभदायी जो जीव और पौधे वहां पर पाए जाते हैं तो उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, ईरान में एक शहर है रामसर। तो वहां पर क्या हुआ कि रामसर में 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया इस भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। चूंकि ये जो सम्मेलन सबसे पहले कहां हुआ था, रामसर में, इसलिए ऐसे स्थान को रामसर स्थल कहा जाता है। और रामसर स्थल जो प्रमुख है हमारे जो भारत में है वो है सुंदरबन डेल्टा के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर बहुत अधिक दलदली भूमि पाई जाती है, जहां पे मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं। तो ये इन सभी की सुरक्षा के लिए इस रामसर स्थल को डेवलप किया जा रहा है। और लास्ट आज हमारा टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक। अब क्या होता है कि जैव विविधता का संरक्षण तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि कुछ जो जीव है उनका पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलने की वजह से विलुप्ति की कगार पर खड़े। तो IUCN ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त होने वाली विलुप्ति की कगार पे जो जीव या पौधे हैं तो उनके लिए एक रेड बुक प्रकाशित करती है। तो इस रेड बुक में क्या रहता है, रेड कलर के पेज में उन जीवों के नाम लिखे जाते हैं जो विलुप्ति की कगार पर खड़े। तो इससे क्या होता है, इन्हें बुक का प्रकाशन कर दिए, उस बुक में उसका नाम लिख दिए, तो जिस भी स्थान से जिस कंट्री से रिलेटेड ये जीव या पौधे रहते हैं तो वहां की सरकार इसके संरक्षण का पूरा प्रयास करती है। और इसमें IUCN जो है, इंटरनेशनल जो संस्था है, ये उसमें बहुत अधिक हेल्प करती है ताकि उस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसी रेड बुक के साथ में ही एक ग्रीन पेज भी रहता है। तो उस ग्रीन पेज का एक मुख्य बिंदु यह है कि ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पे थी लेकिन उसे बचा लिया गया, संरक्षित कर लिया गया, तो उसका जो उल्लेख रहता है किसमें रहता है, ग्रीन पेज पे। तो ये हुआ रेड डाटा बुक के बारे में। अब है कि कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखा जाना चाहिए। तो इसमें है, हमको मालूम है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है 5 जून को विश्व पिता दिवस। ये मनाया जाता है 22 मई को। और ये जो हमारा सत्र चल रहा है, सत्र मतलब ये जो हमारा शतक चल रहा है, तो ये IUCN के द्वारा हर 10 साल को, एक किसी न किसी प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये जो हमारा जो चल रहा है ये 10 साल 2011 से लेकर 2020 तक का जो साल है, ये जैव विविधता
के रूप में मनाया जा रहा है या इसे इस रूप में घोषित किया गया। तो इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें जैव विविधता के जो हास के कारण है, हॉटस्पॉट क्या है, इसके अलावा इसमें रामसर स्थल क्या है और रेड डाटा बुक के जो उद्देश्य क्या है।